cut. A warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. Myself, Vinay Pandey. Students, jo Mathetic Maths Adda YouTube channel hai, isme kuch videos jo hain, aapko main batana chahta hoon ki kaun kaun se videos hamare parallelly, kaun kaun se topics ek saath chal rahe hain. Class 10th aur 12th ki previous years ki series ke videos साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके साथ साथ हमने जो हायर एजुकेशन के वीडियोस हमने लिए थे उसमें बीटा एंड गामा फंक्शन की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यूसली साथ साथ पैरेलली चल रही है. इसके अलावा जो आज मैं नया वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ ये क्लास ट्वेल्थ और हायर एजुकेशन में दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट एक पेपर है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जिसमें प्रोबेबिलिटी जो क्लास ट्वेल्थ में भी है और हायर एजुकेशन में भी है. तो ये पैरेलली एक नया जो मैंने टॉपिक शुरू किया है ये भी सीरीज़ हमारी साथ साथ चलते रहेगी. इसके साथ साथ एक और सीरीज़ रियल एनालिसिस की वो जल्दी इसके पैरेलली एक सीरीज़ वो भी चलते रहेगी. तो चार पांच वीडियोस की सीरीज़ एक साथ चल रही है जिसमें टेंथ ट्वेल्थ के प्रीवियस ईयर्स के वीडियोज़ उसके अलावा हायर एजुकेशन में बीएससी का बीटा एंड गामा फंक्शन और इसके अलावा जो नया वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक मैं इसका लेने जा रहा हूँ वो है प्रोबेबिलिटी. क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेने का रीज़न ये है क्योंकि ये क्लास ट्वेल्थ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हायर एजुकेशन में है. तो टॉपिक्स स्टार्टिंग में वही रहते हैं जो क्लास ट्वेल्थ के हैं. तो दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियोज़ क्लास ट्वेल्थ के लिए भी और क्लास बीएससी थर्ड ईयर में मेनली ये और उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट लेता है उसके लिए और एमएससी में भी ये प्रोबेबिलिटी पढ़नी होती है. तो ये वीडियो की सीरीज़ भी इसके साथ साथ कंटिन्यूसली चलते रहेगी और इसके साथ साथ फोर्थ सीरीज़ जो चलेगी वो चलेगी रियल एनालिसिस की. वो भी हायर एजुकेशन का ही एक पार्ट है. तो ये सारे वीडियोस कंटिन्यूसली अल्टरनेटली ये वीडियोस चलते रहेंगी. तो जो प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो है इसको शुरू करते हैं. प्रोबेबिलिटी क्लास सेवन्थ एट्थ क्लास से प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉर्मली अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम क्या करते थे कि कोई भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम से किसी एक पर्टिकुलर फेवरेबल आउटकम जो हम किसी को एक पर्टिकुलर आउटकम हमको निकालना होता था उसकी प्रोबेबिलिटी को टोटल आउटकम से डिवाइड करते थे तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते थे. अब प्रोबेबिलिटी को काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं. कुछ डेफिनेशंस आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको. फिर उसके बाद आगे के वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे थ्योरम्स भी करेंगे और अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते रहेंगे. तो प्रोबेबिलिटी का जो कुछ डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशन हम शुरू करते हैं आज. पहली डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ध्यान से डेफिनेशन को पहले समझिए आप. रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इफ़ एन एक्सपेरिमेंट रियल और कॉन्सेप्चुअल इज रिपीटेड अंडर इसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशंस एंड द आउटकम्स आर नॉट यूनिक बट कैन बी एनी ऑफ द प्रायर डिस्क्राइब्ड आउटकम्स देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. जूनियर क्लासेस से ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल होता था टॉसिंग अ कॉइन वाला. अगर टॉसिंग अ कॉइन की बात करें तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? टॉसिंग अ कॉइन. ध्यान से देखिए रियल और कंसेप्चुअल दोनों टाइप के इसमें हो सकते हैं. रियल का मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं और कंसेप्चुअल का मतलब जो इमेजिनरी हम सोच करके एक्सपेरिमेंट करेंगे. इस तरीके के एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर इसेंशियली आइडेंटिकल कंडीशंस. इसका मतलब क्या है कि जैसे एक कॉइन को दो बार टॉस किया दो कॉइन को एक बार टॉस किया तो ये क्या है एक आइडेंटिकल कंडीशंस हम उसमें लगा रहे हैं एंड द आउटकम्स आर नॉट यूनिक. आउटकम्स आपको पता है कि या तो अगर हम कॉइन की बात करें तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है. तो आउटकम्स यूनिक नहीं होने चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में. बट कैन बी एनी ऑफ द प्रायर
described outcomes, then such an experiment, इस लाइन को ध्यान से देखिए, can be any of the prior described outcomes. अब देखिए, किसी कॉइन को अगर हम दो बार टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, कोई बाउंडेशन तो नहीं होती है उसमें. तो ये लाइन का मतलब यही है कि कैन बी एनी ऑफ द प्रायर डिस्क्राइब्ड आउटकम्स, आउटकम दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रियल या इमेजिनरी, कंसेप्चुअल या रियल, कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिकल कंडीशंस में उस एक्सपेरिमेंट को हम करें और जिसमें आउटकम्स जो हैं वो यूनिक ना हो, वो बार बार रिपीट हो सकते हैं, उस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आई होप आपको पूरे अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आ गई है. अब हम बात करते हैं ट्रायल एंड इवेंट. ट्रायल क्या होता है और इवेंट क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए. आप, मैं इसको हटा दे रहा हूँ. सपोज एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाइस. और थ्रोइंग अ डाइस क्या हो गया, अगर आप किसी भी डाइस को, किसी भी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो डाइस में कितने नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हम पहली वाली लाइन की बात करें तो थ्रोइंग अ डाइस को हम बोलेंगे ट्रायल. और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, ये सब क्या हैं, इवेंट है. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको. इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि टॉसिंग अ कॉइन इज एन ट्रायल, टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल एंड हेड टेल आर इवेंट्स. रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आपको मैंने ट्रायल और इवेंट जो है उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है. डेफिनेशन से ज़्यादा आप ये एग्जाम्पल को फोकस करें तो आपको बड़े ईजिली समझ में आ जाएगा ट्रायल क्या है. जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, थ्रोइंग अ डाइस, अगर आप एक डाई को अगर थ्रो कर रहे हैं तो वो क्या है, ट्रायल है. और उसमें जो ये आउटकम्स आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं. ऐसे मैंने आपको कॉइन के केस में बताया कि टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल एंड हेड एंड टेल आर इवेंट्स. तो ट्रायल एंड इवेंट, आई होप आपको समझ में आ गया. तीसरी डेफिनेशन देखिए आप. तीसरी डेफिनेशन क्या है, इक्वली लाइकली केसेस. ये वर्ड आपने पहले भी काफी सुना होगा ये वर्ड. इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एवरी इवेंट इज द सेम. जैसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल, फिर वही कॉइन की बात करें. अगर मैं कॉइन को एक बार, एक कॉइन को एक बार टॉस किया मैंने, तो आपसे कहा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हम क्या कहते थे कि एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती थी, टेल आने की क्या होती थी, 1/2. ऐसा तो नहीं होता कि इक्वली लाइकलीहुड का मतलब होता है कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया या कोई भी इवेंट हो रहा है, अगर उस इवेंट में हेड और टेल दोनों के आने की पॉसिबिलिटी सेम हो. पॉसिबिलिटी सेम होने का मतलब क्या है कि हमने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. या फिर हम एक डाई की बात करें, डाइस की बात करें, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक नंबर की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, 2 आने की 1/6, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6. क्योंकि 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6 हर एक नंबर जो है वो क्या है, इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली है क्यों, क्योंकि 1 भी उतने ही पॉसिबली आ सकता है जितना 2 आ सकता है. तो अगर जहाँ पे लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ एवरी इवेंट इज सेम अगर ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो इवेंट कैसे हैं, वो केसेस कैसे हैं, इक्वली लाइकली. अगर मैं ऐसा बोल दूं कि किसी भी कॉइन में टेल है ही नहीं, दोनों साइड हेड है, तो फिर वो जो इवेंट है उस इवेंट को हम इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि उसमें टेल तो आएगा ही नहीं, फिर सिर्फ हेड ही हेड आएगा. तो इस तरीके के जो केसेस हैं जिसमें हम खुद से बाउंडेशन पहले से लगा दे रहे हैं, उस तरीके के जो केसेस होंगे, फिर हमको उन केसेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली नहीं बोलेंगे. तो ये डेफिनेशन भी क्लियर है. अगली डेफिनेशन देखिए आप. अगली डेफिनेशन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ वन एंड ओनली वन ऑफ देम कैन बी टेक प्लेस एट अ टाइम.
फिर से कॉइन का एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं हेड और टेल, इन दोनों में से कुछ आएगा? ऐसा तो होगा नहीं कि हमने कॉइन को टॉस किया और ना तो हेड आए ना टेल आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कॉइन को टॉस करने के हेड, कॉइन को टॉस करने के बाद हेड और टेल में से कम कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। या फिर हम फिर से डाइस की बात कर लें, तो डाइस को अगर हम किसी भी डाइस को फेंक रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक नंबर तो आना ही आना है। तो इस तरीके के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई थिंक समझ में आपको ये डेफिनेशन आ गई होगी। और लास्ट क्या है, एग्जॉस्टिव केसेस, द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट दैट इंक्लूड्स एनी पॉसिबल केस इज कॉल्ड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स, जैसे एक कॉइन को दो बार टॉस करना है तो एग्जॉस्टिव केसेस क्या बनेंगे उसमें, या तो दोनों में हेड आ जाए, या एक में हेड एक में टेल आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये पूरी जो टोटल लिस्ट बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव केसेस या एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो कौन कौन से डेफिनेशन हमने देखी, हमने देखा रेंडम एक्सपेरिमेंट, हमने उसके बाद ट्रायल इवेंट के बारे में देखा, म्यूचुअली लाइकली केसेस देखे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स देखे, इक्वली सॉरी एग्जॉस्टिव केसेस देखे। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान से समझिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक स्टेटमेंट हर एक वर्ड को ध्यान से समझिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, इन डेफिनेशन के बिना आप प्रोबेबिलिटी उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे जितना आप इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। तो इन डेफिनेशंस को आप ध्यान से देखिए, कुछ सिंपल से मैं न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, फिर आगे के वीडियोज़ में हम फिर इन पे बेस्ड थ्योरम्स और न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इन डेफिनेशन पे आप ध्यान से फोकस करिए और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लेने जा रहा हूँ। देखिए पहला न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी का, लिस्ट ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स बाय यूजिंग अ ट्री डायग्राम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन टॉसिंग इट अगेन इफ अ हेड अकर्स, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाइस इज टॉस वंस। ध्यान से हर एक लाइन को आप ध्यान से समझिए और आपको ट्री डायग्राम कैसे बनाना है देखिए। आप स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हो रहा है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो फर्स्ट इवेंट अगर हम बात करें तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। फिर इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि देन टॉसिंग इट अगेन, फिर उसी कॉइन को फिर से दोबारा से हम टॉस करेंगे अगर हेड आ रहा है। तो अगर हम इस कॉइन में देखें हेड अगर आ रहा है तो फिर से क्या करना है, फिर से उस कॉइन को टॉस करना है। तो दोबारा से अगर हम उसको टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन पहले तो हेड आ ही चुका है तो ये HH और HT आपका ये सेकेंड इवेंट बन गया, या फिर आप इसको अलग तरीके से, फिलहाल मैं सेकेंड इवेंट को अलग से लिख दे रहा हूँ, फिर कंबाइंडली लास्ट में हम लिख देंगे। फिर अगर टेल आ रहा है, If a tail occurs on the first toss, पहले toss में अगर पहले event में अगर tail आ रहा है तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, एक dice को throw कर रहा है। तो dice में क्या क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये second event हो गया। तो अब आपका इसको combined अगर हम बात करें तो sample point क्या बनेंगे, sample point आपका बनेगा HH, HT, फिर क्या बनेगा T1, T2, T3, T4, T5 और T6। ये सारे केसेस बने और इसी पूरे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। और ट्री डायग्राम के बाद अगर आपको इसको सेट की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो ये पूरा क्या हो गया इस केस में, इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। तो ये ट्री डायग्राम हो गया और ये आपका सैंपल स्पेस हो गया पहले वाले के न्यूमेरिकल में। देखिए अगला न्यूमेरिकल, अ कॉइन इज वेट सो दैट हेड्स इज ट्वाइस एज लाइकली टू अपियर एज टेल्स। इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इसको। तो आपको हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
और इसको ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि टेल की प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी है, तो आप यहाँ देखिए कि हेड इज ट्वाइस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्वाइस है टेल आने की प्रोबेबिलिटी की, यानी कि 2p। और आपको पता है कि किसी भी इवेंट में अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 1। ये पहले से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो PT प्लस PH कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि P प्लस 2P इज इक्वल टू 1। 3P इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। P कितना आ गया, 1/3। आप इजिली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी हो जाएगी, P का मतलब 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी, 2/3। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमने दोनों इस न्यूमेरिकल में निकाल दी। तो कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल आज हमने देखे, और मेनली जो फोकस हमारा था वो डेफिनेशंस पे था। अब आज के वीडियो में इतना ही, आगे के जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में हम आगे के थ्योरम्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। आप इन डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, जल्दी आपके सामने नया वीडियो में लेकर के आऊँगा।